वेलकम दोस्तों, राजस्थान सरकार का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला। आप इस वीडियो से जान सकते हैं क्या है ऐतिहासिक फैसला। दोस्तों, पुलिस मुख्यालय ने जारी किए आदेश, वाहन पर नाम, जाति या पद लिखा तो 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। यह किस संस्था के सुझाव पर यह प्रश्न ज्ञान लिया गया है दोस्तों? एक नागरिक अधिकार संस्था की सिफारिश पर गृह विभाग ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने यह बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि वाहनों पर जाति, नाम, पद, गांव लिखने वालों की अब खैर नहीं। किसी भी निजी वाहन पर यदि कोई व्यक्ति चिन्ह पाया जाता है, वाहन मालिक को 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। पुलिस मुख्यालय ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नॉन कॉमर्शियल वाहनों की नंबर जो प्लेट होती है वो बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, जबकि कॉमर्शियल वाहनों के पीले रंग का होना चाहिए। काले रंग से स्पष्ट दिखना चाहिए, उसी पे टेढ़े मेढ़े अक्षर नहीं होने चाहिए। एक बहुत ही अच्छा फैसला, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति फ़ायदा उठाना चाहता है, हर व्यक्ति पद का दुरुपयोग करना चाहता है। इसको देखते हुए इस छोटी सी नागरिक सेवा संस्थान के सिफारिश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया, जो सराहने लायक है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इस संगठन का जिलाध्यक्ष बन के, संगठन फर्जी संगठन बना के उसका जिलाध्यक्ष बन के, प्रदेश सचिव बन के, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के पुलिस वालों पर रोब जमाता है और जो कर्मचारी हैं उन पर दबाव बनाता है कि मैं इस संगठन का जिलाध्यक्ष, मैं इस संगठन का प्रदेश मंत्री, क्योंकि इस को ख़त्म करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जो जनता के बीच अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि ऐसे कदम उठाने से जनता को राहत मिलेगी। क्योंकि हर व्यक्ति अपने अलग अलग संगठन बना लेते हैं, कोई कौन सा संगठन, इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया है राजस्थान में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा अपने वाहनों पर लिखा पाया जाता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वो पुलिस जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें 2000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गाड़ी में नाम, जाति, संगठन, भूतपूर्व आदि पदों पर लिखा पाया जाता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और 2000 रुपये का उस पर फाइन करेगी। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं, अगर जिस व्यक्ति ने जिला प्रमुख रहा, वो प्रधान रहा, वो पूर्व प्रधान लगा कि गाड़ी की प्लेट लगाता है, कोई सरपंच रहा, भूतपूर्व सरपंच की प्लेट लगाता है, ये क्या कि ये अधिकारियों पे रोब दबाने या अधिकारियों को दबाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार जो सरकार ने जो सिफारिश या फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा लिया, क्योंकि इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पे जा रहा है कि उसे पूर्व प्रधान लिखा हुआ था, तो पुलिस अधिकारी सोचता है कि ये राजनीतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है। अगर ऐसा लिखा नहीं पाए जाने पर पुलिस की शक्ति से बरत, पुलिस को ये ऐसी शक्ति होती है कि वो उसको देख के घबरा जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर ऐसा लिखा पाया जाता है तो पुलिस उसके खिलाफ 2000 रुपये जुर्माना करेगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसके दोस्तों के साथ शेयर करें, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों।